राहुल किला, प्रकृति की खूबसूरती चारों ओर बिखरी पड़ी है। उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर राहुल किला, जहां हाल में ही हॉकी वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया, इसे हम स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहां आपको बड़े बड़े स्टील प्लांट दिखाई देंगे, जिनकी चिमनी से हर वक्त धुआं निकलते रहता है। मगर ये स्टील सिटी होने के साथ साथ एक ग्रीन सिटी भी है। यहाँ आपको झरने, नदियाँ के साथ साथ कुछ धार्मिक, प्राकृतिक और पर्यटक स्थल भी है। तो आज हम लोग राहुल किला के कुछ ऐसे ही फेमस जगह के बारे में बात करेंगे। राहुल किला एयरपोर्ट के पास में ही दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको मिलेगा, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यहाँ पर कुल 20,000 लोग एक साथ बैठकर मैच का आनंद उठा सकते हैं। राहुल किला में सबसे ज़्यादा फेमस वेद व्यास धाम है, जहाँ पर शंखम, कोयल और सरस्वती नदियाँ मिलती है। इसका नाम महान महर्षि वेद व्यास के नाम पर रखा गया, जिन्होंने यहीं पर बैठकर महाभारत की रचना की थी। और इस धाम के पास में एक स्वर्ग द्वार भी है, जहां लोग सौ जलाने के लिए आते हैं और उसके बाद उनकी अस्थियां को पास में ही नदी में विसर्जन कर देते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे हनुमान वाटिका, जहां पे हनुमान जी की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैचू है। और इसके साथ ही यहाँ पर हरियाली के बीच में कुछ 21 देवी देवताओं के प्रख्यात मंदिर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और राहुल किला के पास में ही वीर मित्रापुर में फेमस सती जी का मंदिर भी है, वहाँ पर भी जाकर आप माँ का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं राहुल किला यानी कि स्टील सिटी के नाम से फेमस इस जगह के कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के बारे में। तो ये है वेद व्यास धाम। यहाँ पर आपको वेद व्यास ऋषि हिंदू धर्म के महानुभव हैं, जो महाभारत और पुराणों के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। वेद व्यास धाम में उनकी प्रतिमा स्थापित है, जिसे भक्त द्वारा पूजा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी भौगोलिक स्थिति। झारखंड से बहकर आने वाली कोयल और छत्तीसगढ़ से बहकर आने वाली शंख नदी का पानी इस मंदिर के लगभग 1 किलोमीटर पहले मिलता है, इसलिए इस जगह को त्रिधारा संगम के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद की तरह यहाँ भी तीसरी धारा सरस्वती नदी को बताई जाती है। दाईं ओर दिखती हुई पहाड़ियों के बगल से बहकर आने वाली कोयल नदी का जल जब शंख में मिलता है तो ब्राह्मणी का रूप ले लेता है। दूर दूर से लोग इस पवित्र स्थल पर अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं। चट्टानों की आड़ में बना हुआ यह वो स्थल है, जहां स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। व्यास मुनि के स्थल पर एक वेद विधि भी है, जिस पर व्यास देव लेखन का कार्य किया करते थे। मंदिर के पुजारी 7 पुस्तों से अपने परिवार द्वारा इस स्थल का पूजा अर्चना करते आए हैं। उनसे पहले इस मंदिर का कर्ता धर्ता कौन था, इसका तो उनको भी पता नहीं। और ऊंचे पहाड़ों पर स्थित इस पवित्र गुफा के जस्ट बगल में आपको महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी दिखाई देती है, जहां भक्त इनकी पूजा करते हैं। और इस पवित्र धार्मिक स्थल से जस्ट पहले आपको एक स्वर्ग द्वार भी मिलेगा, यहाँ भी चलकर देखते हैं यहाँ की क्या खास है। तो दोस्तों, स्वर्ग धाम राहुल किला का एक ऐसा स्थान है, जहाँ हिंदू धर्म के अनुसार सौ दहन के अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है। और इसके बाहर में आप देख सकते हैं, जन्म से लेकर बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा से मृत्यु तक का सारा प्रमाण और मूर्ति के साथ यहाँ समझाया गया था। और यहाँ पे आपको अस्थियाँ भी देखने को मिलेगी, जो कुछ लोग अपनी यहाँ पे अस्थियाँ रख के भी चले जाते हैं, ताकि बाद में उसे नदी में डालकर विसर्जन किया जा सके। और एक खूबसूरत से पार्क से होते हुए अंदर जाने के बाद एक विशेष जगह है, जहां अग्नि को जलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सौ दहन के अनुसार विशेष पूजा और मंत्रों का जाप किया जाता है, ताकि सौ की आत्मा को शांति मिल सके और उसकी मुक्ति हो सके। तो अब हम लोग चलेंगे हनुमान वाटिका, जहाँ भगवान हनुमान का यह स्टैचू भारत का दूसरा सबसे बड़ा हनुमान स्टैचू है। उड़ीसा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक हनुमान वाटिका का नाम भी शामिल है।
और इस हनुमान वाटिका का सबसे बड़ी विशेषता है भगवान बजरंग बली का यह प्रतिमा जो कि कुल 75 फीट ऊंचा है। और इसके साथ साथ ही देश के प्रख्यात मंदिरों के ढांचे में ही 21 मंदिरों का निर्माण किया गया है एवं देवी देवताओं की पूजा की जा रही है। हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचकर यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ साथ यहाँ के सौंदर्य का भी आनंद ले रहे हैं। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण भी दर्शकों को मोहित करता है। सुखद पेड़ पौधे की छाया में खड़ी हनुमान जी का यह मूर्ति के साथ यह स्थल भक्तों को आत्मा की शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। और राउरकेला का बात हो और हॉकी का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम मिलेगा जिसका सीटिंग कैपेसिटी तकरीबन 20,000 है। यदि आप राउरकेला हैं तो इस बेहतरीन और ऐतिहासिक स्टेडियम का जरूर लुत्फ उठाएं। राउरकेला से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा शहर है जिसका नाम है बीरमित्रापुर, जहां आपको रानी सती देवी का मंदिर मिलेगा जो राजस्थान के मुख्य मंदिर की तरह ही बनाया गया है। यहां पे लोग सती देवी को प्यार से दादी मैया के नाम से भी पूछते हैं। तो दोस्तों यह था राउरकेला जो उड़ीसा का एक ऐसा शहर है जहाँ हर सुबह सूर्य अंगड़ाई लेता हुआ पहाड़ों की ओर से निकलता है और दिन भर झरनों और नदियों के बीच रहने के बाद फिर शाम होते ही जा छुपता है वापस उन्हीं पहाड़ियों के पीछे में। तो दोस्तों आपको ये राउरकेला शहर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और आप ऐसे ही भारत के विभिन्न अलग अलग शहर के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।